हेलो गाइस, वेलकम टू शेड। मैं आपका संकल्प, और चलो चलाते हैं फिजिक्स का ब्रह्मास्त्र। गाइस, इस ब्रह्मास्त्र में हमारे जो मेजर टॉपिक होने वाले हैं वो होने वाले हैं सीरीज एंड पैरेलल ऑफ रेजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, सर्किट्स इन्वॉल्विंग रेजिस्टर्स, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज्यादा आता है, एंड दैट इज किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, तो गाइस हम लोग पहला लेक्चर मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर 1 डाला, उसका आपने काफी प्यार दिया, काफी लोगों ने देखा उसे। गाइस, अब हम लेक्चर 2 पे बात करने जा रहे हैं। लेक्चर 2, तो अभी हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा तेज तेज चलेंगे और आगे बढ़ेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस गाइस, दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, जानते हो आप सब, और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैपेसिटर में हमने इसको डिराइव भी किया था, सीरीज और पैरेलल। रेजिस्टेंस हम डायरेक्ट इसको जानेंगे कैसे कैसे लिखा जाता है। तुम लोगों को डेरिवेशन आई हो पाता हो, और नहीं आता है तो एक करके दिखा देता हूं। ये R1 है, ये R2 है। तो मैं चाहूं तो इन दोनों की जगह एक रेजिस्टेंस लगा सकता हूं, और उस रेजिस्टेंस को मैं R इक्विवेलेंट कह सकता हूं। और अगर मुझे R इक्विवेलेंट टाइप करना हो तो मैं लिख सकता हूं R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन। आई होप यहां तक समझ में आ रहा हो। अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करता हूं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन गाइस कैसे करते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन इज रिंका, ठीका, टीमू। ये देखो, तीन रेजिस्टेंस R1, R2, R3। तो 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। गाइस, इनको प्रूफ करने का तरीका बिल्कुल वैसे ही कैपेसिटर जैसा होता है। मैं एक प्रूफ भी कर देता हूं, और मैं सबसे पहले एक काम करता हूं, मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन प्रूफ कर देता हूं। इट वुड बी इजी फॉर यू, ठीक है, सीरीज प्रूफ करना। चलो पैरेलल कॉम्बिनेशन का प्रूफ भी देख लेते हैं। तो सपोज करो मैंने एक सर्किट अज्यूम किया, ये हो गया, ठीक है, और मैंने इसको ऐसे एक बैटरी से जोड़ दिया। बिल्कुल बढ़िया से देखेंगे, मैंने ये सर्किट अज्यूम किया और इसको मैंने एक ऐसे बैटरी से जोड़ दिया, और इसको मैंने बोला R1, इसको बोला R2, और इसको बोला R3। ठीक है, मैं चाहता हूं इन सबकी जगह कोई एक कॉम्बिनेशन लगे, और जिसको मैं नाम देता हूं R इक्विवेलेंट। क्या नाम देता हूं? R इक्विवेलेंट। तो अगर R इक्विवेलेंट में इसका कॉम्बो सर्किट बनाऊं, तो आई कुड मेक द सर्किट लाइक EMF E। ठीक है, अब हाउ गुड आई सॉल्व द प्रॉब्लम? इसका एक सिंपल सा लॉजिक ये है कि यार, मुझे सिंपल सी बात पता है कि अगर तीन चीजें पैरेलल में, तो सबके अक्रॉस वोल्टेज सेम होता है गाइस। तो वोल्टेज अगर मैं सेम कराऊं, तो मैं बोल सकता हूं इसके अक्रॉस वोल्टेज, इसके अक्रॉस वोल्टेज, और इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा? सेम होगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी? E के बराबर। एग्री करते हो कि नहीं? ठीक है, और मैं एक काम ये भी कर सकता हूं कि मैं यहां से I को लिख सकता हूं। मैं यहां पे भाई, अगर I करंट आएगी तो तीन पार्ट में डिवाइड होगी, I1, I2 और I3। तो क्या मैं लिख सकता हूं I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब गाइस ये देखो, अगर ये कॉम्बिनेशन बैटरी से I करंट विड्रॉ कर रहा है, तो अगर ये कॉम्बिनेशन इसका वही कॉम्बिनेशन है, तो इसको भी कितना करंट विड्रॉ करना चाहिए? नहीं आया, पक्का? तो अगर मुझे आई की, अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? ई, समझे? तो अगर मुझे आई की वैल्यू लिखनी हो, तो आई की वैल्यू में क्या लिख सकता हूं? ओम्स लॉ से ई बाय आर इक्विवेलेंट, क्योंकि वी बर आई बराबर वी बाय आर होता है। आई वन की वैल्यू लिखनी हो तो मैं क्या लिखूंगा? E बाय R1, क्योंकि भाई इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस तो E है ना, और इसके अक्रॉस भी मैं क्या लिख सकता हूं? प्लस E बाय E कैंसिल, तो 1/R इक्विवेलेंट क्या आ गया गाइस? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इसको मिस नहीं करना गाइस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस इज अ डेरिवेशन,
ऐसे ही सीरीज का कॉम्बिनेशन कर लोगे और उसको डिराइव करना होगा तो सिंपली क्या करोगे, v1 plus v2 plus v3 is equals to net v, वो उससे डिराइव हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। ये रहा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का पार्ट, लेकिन इस पे बेस क्वेश्चंस भी बहुत ढेर सारे आते हैं। तो अगर तुम्हें क्वेश्चंस, अगर तुमको कॉम्बिनेशन का सिर्फ फॉर्मुला पता है कि सीरीज में आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 कर सकते हो, पैरेलल में 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 कर सकते हो, बट इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना भी जरूरी है क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन पे इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो गाइस उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, जिनको आप अच्छे से देखो और प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं सबसे पहले, और डायरेक्ट बढ़िया क्वेश्चन से शुरू करते हैं ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट सीधे स्ट्रांग हो। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, एक बार में चीजें सीख रहेंगे। ठीक है, और सवाल है ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो मैंने लिखा ये 2 ओम 2 ओम 4 ओम 2 ओम 4 ओम 2 ओम 4 ओम 2 ओम 4 ओम। मैंने सवाल पूछा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, जल्दी से क्वेश्चन नोट करो, एक मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन ट्राई करो, उसके बाद मैं बताऊंगा कैसे करना है ऐसे प्रॉब्लम्स। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच में। ठीक है, जल्दी से ट्राई करो, चलो वीडियो अनपॉज कर लो, अब आ जाओ, नहीं कर पाए हो तुम कोई बात नहीं, अब सीखना। गाइस देखो, जब भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का सवाल है तो सबसे पहला काम है घूरना, क्या प्रॉब्लम को घूरा मैंने, और घूरने के बाद कैसे मैं सॉल्व करूंगा, थोड़ा सा ट्रिक लगाओ, पेन को छोड़ो ना, दिमाग खोलो ना और इधर देखो ना। देखो सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए सबसे छोटे पैकेट्स को पहले पकड़ने की आदत डालो। तो सबसे छोटा और आसान पैकेट कहां दिख रहा है, ये देखो, ये दिख रहा है, दिख रहा है सबसे छोटा और स्मॉल पैकेट दिख रहा है कि नहीं। तो अगर 2 और 2 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, तो भैया पहले इसको हटाओ और क्या लगाओ, 4। ओहो फिर पैकेट दिख गया क्या, 4 और 4 पैरेलल में क्या आएगा, 2 आएगा। जब भी 4 पैरेलल में तो 1/4 प्लस 1/4 2 होता है, x प्लस अगर x और x अगर सीरीज में तो 2x, x और x पैरेलल में तो x / 2। ठीक, तो 2 और 2 सीरीज क्या आएगा, 4 4, मजा आई क्या 2 2 4 4 2 2 4 4। क्लियर हुई बात गाइस, अगर आया तो इसी बात पे ठोक दो लाइक तुरंत। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, एग्जाम में स्टेप वाइज कर दो, क्या स्टेप भी लिखे क्या माल करते हो, यहां तक समझ में आ गया। चलो अब भाई मैं ये सब नहीं लिख पाऊंगा, लेट अस कंसीडर अ सर्किट, अब इतना तो मैं मान के चल रहा हूं, इतना मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि तुम इंटेलिजेंट हो, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वीडियो छोड़ो, रील वील देखो, क्या जीवन में पढ़ाई लिख के पहला है। यहां देखो इधर, अब देखो मैं भी पढ़ लिख लिया होता सही टाइम पे तो ये सब तो ही ना कर रहा होता, एक अच्छा खासा नौकरी कर रहा था अपना, कहीं बढ़िया जॉब में होता, पैसे से कमा, मतलब ये थोड़ी ना दिन होते कि वीडियो बना रहे हैं, तुम लोग छोटे बच्चों के साथ जीवन जी रहे हैं, मैं बड़े लोगों के साथ अपने बगल में कुछ सबसे बड़ी एक सब कुछ सही हो। याद तक समझ में आया गाइस, तो पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है गाइस, अगर मेरी लाइफ जैसी लाइफ नहीं चाहते हो तो पढ़ना पड़ेगा, ये मैं बता दूँ, बहुत आप बीती हैं कभी अच्छे से बताऊँगा, बट अगर लाइफ को सक्सेसफुल बनाना है तो पढ़ लो। अच्छा गाइस आगे बढ़ें क्या, चलो इधर देखो एक सवाल और करते हैं, उसको जल्दी से करके देखो, क्या मैंने ऐसा सवाल कभी तुम लोगों को कराया है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, आर आर आर, देखो खाली तार दिख रहा है, शॉर्ट सर्किट कॉन्सेप्ट दिख रहा है क्या, शॉर्ट, अगर ये ए है तो ये भी ए है, ये बी है तो ये भी बी है, आ ब र र र
अरे बोलो यार, आर 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 पैरेलल में, आर बाय थ्री, ठीक समझे? अगर आर आर सीरीज में तो आर बाय टू, आर 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 पैरेलल में तो आर बाय थ्री। अरे आर, अरे बोलो यार, अगर दो आ रहे हैं तो आर बाय टू, तीन आ रहे हैं तो आर बाय थ्री, चार आ रहे हैं तो आर बाय फोर, एन आ रहे हैं तो आर बाय एन। फॉर्मूले से भी वही आएगा, तो डायरेक्ट आर इक्विवेलेंट क्या हो गया, आर बटे थ्री। समझे? क्लियर हो गई बात? आगे बढ़े, कोई कष्ट तो नहीं? छोटे मोटे सवाल आएंगे निपटा दोगे ना, बुरा तो नहीं मानोगे? चलो अगला सवाल करते हैं। सर ये क्या बना रहे हैं? कुछ लोग को लगेगा कि इनफाइनाइट लेडर बना रहे हैं, बट इनफाइनाइट लेडर नहीं, बोर्ड्स में नॉर्मल सवाल आएंगे गाइस, घबराना नहीं, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन से डरना नहीं। दो ओम दो ओम दो ओम, एक काम करते हैं, दो अच्छा नहीं है, तीन ओम तीन ओम तीन ओम, फिर तीन ओम तीन ओम तीन ओम, तीन ओम तीन ओम तीन ओम, चार, एक काम कर लेते हैं, इसको लग लेते हैं चार ओम, तो कर लेते हैं चार ओम, चार 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 ना चार चार ना चार। चलो सॉल्व करो, ए और बी के बीच, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जल्दी से बेटा वीडियो को करो पॉज और शुरू हो जाओ, जल्दी से फिर देखो कि मेरे मेथड और तुम्हारा मेथड सेम कर रहा है और आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। जल्दी सॉल्व करो, जल्दी, कम ऑन, पास। चलो टाइम अप, आइए देखिए कैसे, फिर से क्या शॉर्टेस्ट, कहीं को दिख रहा है कोना, कोना दिख रहा है, ए चल कोने में आ, ए चल कोने में आ, तीन 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 नौ नौ तीन पैरेलल, फिर ये सीरीज, फिर आपस में उसके साथ ये पैरेलल, फिर आपस में ये सीरीज में, सबसे छोटे पैकेट को पकड़ना है, वंस यू आर एबल टू पकड़िंग द पैकेट यू विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। पकड़ ले और सॉल्व कर ले, वाओ ब्यूटीफुल, व्हाट अ रॉन्ग आंसर। तो क्लियर हो गई बात, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। एक चीज और बहुत ज्यादा तुम्हें मेले में देखने को मिलेगी और वो है वीट स्टोन ब्रिज। वीट मतलब आटा, स्टोन मतलब पत्थर, और पुल आटे और पत्थर का बना हुआ पुल, ऐसा कुछ नहीं है, छोटे से सर्किट का नाम है वीट स्टोन ब्रिज। और वीट स्टोन ब्रिज कुछ इस प्रकार का होता है, तुमने देखा भी होगा। अच्छा क्या जरूरी है वीट स्टोन ब्रिज तुम्हें हमेशा इसी रूप में दिखाई पड़े? तुम में से कितने प्रतिशत लोग मानते हैं कि वीट स्टोन ब्रिज इच्छाधारी है? क्या वीट स्टोन ब्रिज इच्छाधारी है? क्या वीट स्टोन ब्रिज इच्छाधारी है? इच्छाधारी, अरे गोचू, क्या ये अपने अकॉर्डिंग अपना रूप बदल सकता है? तो ऐसी चीज जो अपने अकॉर्डिंग अपना रूप बदल दे वो इच्छाधारी है। हमारे बीच हमारी टेक टीम के हिस्सा बैठे हैं, अब इनको देख देखते कियारा बन गई, तो इसका मतलब ये इच्छाधारी है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इच्छाधारी मतलब जो रूप बदल ले। तो गाइज इसी कंटेक्स्ट में इच्छाधारी सर्किट कहते हैं वीट स्टोन ब्रिज को। कभी कभी ये डायरेक्ट दिखाई पड़ेंगे और कभी कभी किसी सर्किट में छुप के आएंगे। गाइज घबराना नहीं, चुन के मारना, चुन के मारना, आग जरूर फोड़ देना, नहीं तो नागिन फोटो खींच लेगी। तो गाइज इसको इम्पोर्ट, ये पता है ना रूल तुम लोग को, नहीं तो बदला हो ले। बिल्कुल सही, आई से फोटो क्लिक कर लेती है, बहुत बढ़िया साइंस के स्टूडेंट्स। इफ इफ अगर दिस बटा दिस बराबर डैट बटा डैट, दिस बटा दिस बराबर डैट बटा डैट, तो निकल ले भैया आर फाइव इज नेग्लेक्टेड। अगर आई फाइव नेग्लेक्टेड क्यों किया गया? बिकॉज इसमें से कोई करंट पास नहीं होगी, नो करंट पास थ्रू गैल्वेनोमीटर, नो करंट पासेस थ्रू, फीलिंग आई, कौन दिक्कत, ठीक है। तो ये वीट स्टोन ब्रिज का छोटा सा कॉन्सेप्ट, ठीक है, चलो और फर्दर आगे बढ़ते हैं।
तो गाइज इस पे बेस्ड कैपेसिटर में भी ऐसे सवाल आते हैं और करंट में भी ऐसे सवाल आते हैं, लेकिन जो करंट में सबसे ज्यादा बोर्ड में सवाल देखे जाते हैं वो एक टॉपिक के देखे जाते हैं, वो है किरचॉफ्स लॉ, और बहुत सारे बच्चों को परेशान भी करता है किरचॉफ्स लॉ। हालांकि मैं इसको डीप में जाके भी बहुत बता सकता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट से, बट उतना कोई काम नहीं है। मैं डायरेक्ट तुम्हें बिल्कुल तरीका बताता हूँ जिससे तुम किरचॉफ्स लॉ के क्वेश्चन को ठिकाने लगा दो, ठीक है। लेकिन किरचॉफ्स लॉ का थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी जानना होता है। किरचॉफ्स लॉ गाइस, किरचॉफ्स लॉ दो प्रकार के होते हैं। किरचॉफ्स लॉ दो प्रकार के होते हैं, एक किरचॉफ केसीएल और दूसरा केवीएल। केसीएल का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है किरचॉफ और जो दूसरा होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो गाइस केसीएल और केवीएल में अंतर क्या है, देखो एक कुछ कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी इस पे बेस्ड आते हैं कि केसीएल जो है वो एक पर्टिकुलर चीज पे बेस्ड है और उसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। केसीएल इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और केवीएल किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। गाइस केसीएल कहता क्या है, केसीएल बड़ा सिंपल सा बात बोलता है, इजी सी बात कहता है कि मान लो एक वायर है और इससे दो शाखाएं निकल गई, इसको बोलते हैं जंक्शन, फिजिक्स की भाषा में इसको क्या बोलते हैं, जंक्शन। किरचॉफ्स लॉ बोलता है कि अगर आई वन है, ये आई टू है और ये आई थ्री है, तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर ये आई वन करंट आई और आई टू आई थ्री गई है तो आई वन की वैल्यू जो होगी वो आई टू प्लस आई थ्री के बराबर होगी। ये किरचॉफ्स लॉ बोलता है कि भाई करंट डेवलप थोड़ी ना हो, चौराहे से करंट, चौराहे पे पांच गाड़ी गई छह गाड़ी निकल आई, एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी भी आ गई है हम भी चलेंगे, ऐसा नहीं है ना गाइस। जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज जाएगा, जो धरती पे आया है उसको तो एक दिन जाना है, ठीक है। वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है और उसके अलावा भी कहना है, कहते ही रहना जरूरी है कहना, याद समझ में आ गया। किरचॉफ्स वोल्ट केवीएल क्या कहता है, केवीएल कहता है कि द सम ऑफ वोल्टेज अराउंड द क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। गाइस ये बताओ कि बात समझो, किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है कि सपोज करो एक लूप है जिसमें एक रेजिस्टर लगा हुआ है, एक बैटरी लगी हुई है, एक बल्ब लगा हुआ है, सब बिल्कुल लगा हुआ है, एक एसी लगी हुई है, फोन चार्ज पे लगा हुआ है, स्मार्ट टीवी लगी हुई है, ब्लोअर लगा हुआ है, ये देखो सर्किट है, ये घर का सर्किट है, ठीक है। अब मैंने किरचॉफ ने बोला भैया किसी भी सम जो, अच्छा वोल्टेज होता क्या, व्हाट इज वोल्टेज, वोल्टेज इज द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यार ये बताओ कि अगर एक कूलाम चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाने में जो वर्क डन लगता है वही तो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यार जो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन भी क्या होगा, जीरो, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, जीरो। तो किसी भी क्लोज पाथ में अगर सम ऑफ वोल्टेज करोगे तो वो जीरो आएगा, क्योंकि वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज ऑलवेज जीरो बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। गाइस ये मैकेनिक्स की छोटी सी बात है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में वर्क डन इन अ क्लोज पाथ जीरो होता है, नॉन कंजर्वेटिव के केसेस में नहीं होता है। सर नॉन कंजर्वेटिव केसेस का एग्जांपल जैसे फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन गोल पाथ में किसी चीज को घुमा रहा है तो मैं नहीं कह सकता कि वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज जीरो, बट अगर कोई कंजर्वेटिव फोर्स अगर कोई किसी चीज को गोल गोल घुमा रहा है तो आई कुड से दैट वर्क डन बाय दैट पर्टिकुलर फोर्स इज जीरो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, चलो आगे बढ़ते हैं फर्दर। अब इस पे बेस सर ठीक है, ये तो आ गया, ये सब तो सर रेट रट आ गया होगा, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं और एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं और कैसे निपटाना है क्वेश्चन को ध्यान रखना है। तो पहले एक रूल याद रखना, एक या दो रूल याद रख लेते हैं। पहला रूल, करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप, पहला रूल करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप, और दूसरा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में जाएंगे, बैटरी के
पॉजिटिव टर्मिनल में जाएंगे तो नेगेटिव एंड वाइस वर्सा। सर ये सब कैसे रूल है सर, समझ में नहीं आ रहा है ना, अभी बताते हो। दो मिनट में ठोकोगे प्रॉब्लम, गारंटी दे रहा हूं। करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा बढ़ेगा ड्रॉप, करंट की डायरेक्शन में नेगेटिव लेंगे, करंट की डायरेक्शन में नेगेटिव, और अगर बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल में घूमते घूमते बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल में लगे तो नेगेटिव, पॉजिटिव में नेगेटिव, नेगेटिव में पॉजिटिव। ठीक है चलो देखो क्वेश्चन। समझ गया प्रॉब्लम, R1, R2, E1, E2, बस इक्वेशन बनाना सीख लो गाइस, बाकी सिंपल मैथमेटिक्स से तुम दो मिनट में प्रॉब्लम निपटा डालोगे। अब मान लो तुमसे सवाल जनरली पूछा गया कि करंट इन द ईच ब्रांच निकालो, ठीक है तुमसे करंट पूछ लिया गया, या तुमसे पूछ ले कि इसमें पावर निकालो, तुमसे पावर निकालने के लिए भी तो तुम्हें पावर बराबर आई स्क्वायर आर, तुमसे पावर निकालने के लिए भी तो तुम्हें करंट चाहिए होगा ना, बोलो यार। तो पावर कुछ भी पूछ सकता है, तो अगर तुम्हें इक्वेशन बनाना ही आती है तो सब कुछ तुम्हारे लिए आसान। कैसे आसान है देखो, इधर मान लेते हैं आई करंट फ्लो करा दिया सर। अब कुछ लोग क्या करते हैं, बैटरी से करंट निकालते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं किसी बैटरी से करंट निकाल देते हैं, निकाल लो जो अच्छा लगे, मान लेते हैं इसी से करंट निकली आई लो, ठीक है। फिर दोनों बैटरी में सोचो कि इसकी करंट इधर आएगी, फिर एक को ही प्राइमरी मानो एक को राजा मानो, हुआ क्या होगा गाइस देखो, थोड़ा सा और डीप जाके तुमको दो मिनट बताता हूँ। हुआ क्या होगा, जब तुमने दोनों बैटरी लगाई होगी तो दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ होगा, दोनों ने तार में अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड फैलाई होगी। इन दोनों युद्ध में हमेशा एक विजेता होता है और एक हार जाता है, तो जो विजयी रहा होगा उसी के हाथ में सत्ता रही होगी, और पूरी पूरी जो कायनात है, ये पूरी जो पूरा जो जिला है और ये पूरा जो स्टेट है वो उसी के अकॉर्डिंग तो चल रहा होगा। बोलो, तो मैं मान लेता हूँ ईवन जीता। सर आपने ये क्यों माना ईवन जीता, तेरी मर्जी, मैं तू ई टू मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैंने मान लिया ईवन जीता, अगर ईवन का आई करंट इधर आया तो इधर दो रास्ते मिले, मान लेते हैं आई वन इधर जाएगा और आई माइनस आई वन नीचे जाएगा। मैं आई टू नहीं लूंगा क्योंकि क्यों अननोन्स पढ़ाना, आई माइनस आई वन नीचे जाएगा, फिर ये दोनों यहां पे ऐसे आएंगे मिलेंगे और वापस कितने हो जाएंगे आई। कोई दिक्कत किसी को, स्टेप वन किरचॉफ्स लॉ को सॉल्व करते समय पहले पूरे सर्किट में करंट फैला लेनी है। सर आपने इधर ही क्यों आई वन भेजा, आपने इधर आई वन इधर क्यों नहीं भेजा, इधर क्यों नहीं भेजा, मेरी मर्जी, तू करेगा तेरी मर्जी, ठीक है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, घूमना है दो बार, एक दो, सोचो वहां एग्जामिनेशन हॉल में नहीं घूमना है, सर्किट में घूमना है। सर ने बताया था दो बार घूमना है, उठ के भागने लगे, अरे नहीं बेटा सर्किट में तुम्हें दो बार घूमना है। तो सर्किट में घूमने के लिए मैंने क्या किया, घूमने के लिए मैंने इसमें क्लॉकवाइज घूम गए और इसमें भी क्लॉकवाइज घूम गए। सर अगर एक में क्लॉकवाइज घूमते एक में एंटी क्लॉकवाइज घूमते कोई फर्क नहीं पैंदा, सर ये पूरे में घूम जाते कोई फर्क नहीं पैंदा, दो अननोन है तो दो इक्वेशन बनानी। सर घूम के कहां से कहां आना है, जो तेरा मन वो चुन ले, ले इसको ए चुन लिया, मैं ए से चलूंगा ए को आऊंगा। सर यहां कहां घूमें, चुन लो चुन लो, तुम बताओ कहां चुनें, यहां चुने बी, अच्छा और कूल हो गए तो कहीं भी चुनिए बी बी। अब इसको हम लोग बोर्ड्स में लिखते समय इसको नाम दे देंगे मन वन, इसको देंगे टू, और इसको बोलते हैं बोर्ड्स में लिखते समय इक्वेशन क्या बनाएंगे, इन मेस वन का प्यारा सा मेस वन, इन मेस वन आओ, टिकटॉक टिकटॉक चला मैं ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज चलना है ना, क्योंकि मैंने अज्यूम किया कि मैं क्लॉकवाइज चुनूंगा, तो मैं जब चल रहा हूं तो करंट मुझे किस मेरी करंट मेरी डायरेक्शन में आ रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस से प्लस में, तो वीए से शुरू करना शुरू किया, करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा और करंट के ऑपोजिट में पोटेंशियल कितना आर वन, वीए से प्लस हो गया। फिर हम यहां पहुंचे, यहां पहुंचते पहुंचते कहां पहुंचे, पॉजिटिव टर्मिनल में, पॉजिटिव टर्मिनल में लेते समय क्या लेंगे, क्रॉस कर गए, यहां तो कुछ है ही नहीं, ओ हम यहां जा रहे हैं और वो करंट किधर आ रही है, तो प्लस आई वन आर थ्री, हम फिर से करंट के ऑपोजिट पड़ गए ना, फिर बैटरी के नेगेटिव में पहुंचे तो ई टू, अरे बोलो यार,
फिर निकले, अरे फिर करंट के ऑपोजिट में पहुंच गए, प्लस आर टू इज इक्वल टू बी ए, बी ए बी ए क्या हो गया कैंसिल, पहली इक्वेशन बन गई, लग रहा है वीए माया भी है। जीरो, समझ में आया, कट गया ये, पहली क्वेश्चन बनी पक्का। अब चलो दूसरी क्वेश्चन बनाते हैं, मैस टू में, मैस टू में क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, बी से चलना शुरू करना है क्लॉकवाइज, ऐसे का कोई मतलब है इस करंट का, पहले क्या मिला बैटरी, तो बीबी से चलना शुरू किया था, बीबी माइनस सी टू, क्यों, क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर किया, फिर हम ऐसे जा रहे हैं, ये करंट घूम के हमें, ये करंट ऐसे आई ना, ये करंट तो इसमें ऐसे आ रही है ना, हम ऐसे जा रहे हैं तो हमें करंट फिर से मिलेगी क्या ऑपोजिट, हम अच्छा हाँ सही बात है, सॉरी यार, तो हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, तो फिर करंट हमने डायरेक्शन में मिली माइनस आई वन आर थ्री, फिर अब इस बार करंट हमें ऑपोजिट मिल गई है, प्लस आई माइनस आई वन इंटू आर फोर इज इक्वल्स टू वी बी, वी बी भी क्या हो गया, दो अननोन दो इक्वेशंस, साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे प्रॉब्लम फाइंड, कोई भी किरचॉफ लॉ का सवाल होगा इस इसी पे करना, इस पे खूब प्रैक्टिस कर लो, इनकेस ऑफ एनी डाउट तुम डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो, तुम डायरेक्टली शेड पे आ सकते हो, अपने ऑफलाइन डाउट्स क्लियर कर सकते हो, यू ऑल हैव द राइट्स, डजेंट मैटर आप शेड से पढ़ाया आपने या नहीं पढ़ाया, अगर आपको बोर्ड्स के टाइम पे कोई भी इश्यू है यू कुड कम। ओके गाइज, आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, सीखने को मिला होगा, इस पर प्रैक्टिस करना, फिर हम लोग आने वाले लेक्चर्स में मैं इंस्ट्रूमेंट्स पर डिस्कस करूंगा, मीटर विच पोटेंशियो मीटर, इससे बेस बहुत क्वेश्चन आते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहो, जय हिंद।